आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मथुरा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में की श्री कृष्ण और राधा जी की विधि विधान से पूजा अर्चना। कहा, पहले आपके पर्व त्योहारों में बधाई देने के लिए ना तो कोई मुख्यमंत्री आता था और ना ही कोई मंत्री, लेकिन अब होड़ लगी है बधाई देने वालों की। अब कहते हैं राम हमारे कृष्ण हमारे। जिलाधिकारी ने महानगर को जलभराव से निजात दिलाने तथा मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक के निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का किया निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किश्त की धनराशि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऑनलाइन ट्रांसफर। लाभार्थियों से किए वर्चुअल संवाद, धनराशि प्राप्त होने की जानकारी लेने के साथ दिया जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पूर्व विधायक और छात्र नेता शहीद रविंद्र सिंह के 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देवरिया के सांसद, सहजनवा के विधायक सहित छात्र नेताओं ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, छात्र नेता शहीद रविंद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलकर गरीबों व छात्रों की करें मदद। रिजर्व पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसवीसीटी सहित अन्य अधिकारियों ने राधा कृष्ण की आराधना, लोक मंगल की कामना। सोमवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित विभिन्न केंद्रों पर 12,839 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,563 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,276 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, वैक्सीन की नहीं है कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गोरखपुर में सोमवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,394। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 11 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। वामा सारथी के तत्वाधान में पुलिस कर्मियों के बच्चों ने रिजर्व पुलिस लाइन के मिस हाउस में श्री कृष्ण और राधा के रूप में किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोगों ने सराहा। और जनपद में बहने वाली रोहिन, घाघरा और राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर, जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। एडीएम फाइनेंस ने कहा, दो नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी, 2 से 3 दिनों के भीतर स्थिति सामान्य होने के हैं आसार।